एक समय ऐसा था जब इंडस्ट्री का दायरा सिकुड़ा हुआ था, भोजपुरी इंडस्ट्री का, क्योंकि ये सिर्फ 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब वो दायरा बढ़ा है और भोजपुरी दर्शक नए नए हीरो और कलाकारों को भी देखना पसंद करते हैं, खासकर उन लोगों को जिनकी एक्टिंग बहुत खास हो, बहुत अच्छी हो। कुछ ऐसे ही नए नवेले हीरो भी इंडस्ट्री में आए जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें इंडस्ट्री ने स्वीकार लिया और दर्शकों ने भी। खैर, हम यहाँ जो युवा स्टारों की फिल्मों का जिक्र लेकर आए हैं, वही युवा स्टार जिन्हें आप बचपन से फिल्मों में देखते आए हैं। दो नाम है और वो दोनों ही नाम एक फिल्म में आप लोगों को आगे चलकर देखने वाले हैं। ये दो नाम है ऋषभ कश्यप गोलू और प्रदीप पांडे चिंटू, जो आपको आने वाले दिनों में फिल्म दिलवाले में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में शुभेश शर्मा के अलावा आम्रपाली दुबे और चिंटू का एक प्रमोशनल गाना भी है। इसके अलावा इस फिल्म में एक नई हीरोइन और नजर आएंगी। काफी सारे कलाकार इस फिल्म में एक साथ देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बजट की फिल्म है। काफी सालों से इस फिल्म की शूटिंग धीरे 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 शूट हुई और अब फाइनल बनकर तैयार हो गई है। और अब खबर यह है कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज भी होगी। इस फिल्म का भी पहला पोस्टर सामने आया है जिसमें दोनों हीरो दिखाई दिए हैं और हीरोइन भी दिखाई दी है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं संजय सिंह राजपूत और संतोष सिंह राजपूत। बड़ी मुश्किल से इतने दिनों बाद फिल्म बनकर तैयार हुई है, लेकिन फिल्म में क्या खास होगा, फिल्म की कहानी क्यों बाकी की फिल्मों से अलग है जो आपको देखनी चाहिए, वो ये है कि इस फिल्म में मल्टी स्टारर फिल्म है। इस फिल्म में ऋषभ कश्यप गोलू और चिंटू पहली बार लीड रोल में एक साथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले सपोर्टिंग रोल में दोनों ने बहुत धमाल मचाया है बचपन में। बहुत सारे इनके ऐसे शरारती भरे गाने हैं जिसे लोगों ने पसंद किया है। बहुत बार इनका मुकाबला भी हुआ है आमने सामने, लेकिन युवा होने के बाद पहली बार दोनों एक फिल्म में नजर आ रहे हैं। आम्रपाली दुबे के साथ पहली बार चिंटू इश्क फरमाते नजर आएंगे 2 गानों में। इसके अलावा फिल्म बहुत बड़े बजट की तो है ही, लेकिन काफी लंबे समय से शूटिंग चल रही थी, तो ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जो शूट करने में इतना ज्यादा समय लग गया है। फिलहाल फिल्म की रिलीजिंग डेट सामने नहीं आई है, लेकिन पोस्टर के साथ इस बात की जानकारी फिल्म मेकर्स द्वारा ही दी गई है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस फिल्म को सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाएगा, जिसके एक शुभ दिन की तलाश सभी को है।